मोहम्मद जहांगीर हुसैन। मोहम्मद जहांगीर हुसैन। अच्छा ये बताइए किसको चाहते हैं 2024 में? 2024 में तो देखो हम तो मोदी को तो चाहता ही नहीं है। क्या मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं चाहते मोदी जी को या और कोई भी बात? मोदी जी ने जो किया बहुत गलत किया मोदी जी ने। क्या गलत कर दिया? जब उनने आया आने का साथ साथ नोटबंदी किया और उसी के चलते से हम आम पब्लिक जो है बहुत मुसीबत गया हमारे ऊपर और इस चलते से मोदी जी हमें पसंद नहीं है। तो मोदी परेशान कर रहे हैं? हाँ जी। जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है ऐसी बात है क्या? बिल्कुल सच बात है, मोदी ने यही कर रहा है। मोदी मुसलमानों को डरा रहे हैं जी? क्या भैया ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें हैं। मुजफ्फरनगर में भी भर्ती हुई थी, ठीक है, मुजफ्फरनगर में 400 लड़कों में से 6 लड़के गुल पकड़े जा रहे, ये बताओ ये तो मुद्दा बना दिया। अभी सुनो सब तो मुसलमान को ही पकड़ रहा है, हिंदू लोगों तो बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। अरे हमारे अंदर अगर कोई हिंदू लोग कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो हम लोग ये सोच के मुस्लिम हो रही है। हाँ जी बुलाएंगे 99% मोदी जी ही आएंगे। कैसे आ जाएंगे? अरे बिल्कुल, उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए। केजरीवाल ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फ्री के नाम पर बस लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया जी, बस मोदी जी ने। चौक के अंदर आके बाथरूम देखो कैसे है, बस मोदी जी ने किया। बहुत किच किया मोदी मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम क्या भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है? कुछ नहीं डराया जा रहा है जी, आज भी सारे साथ में ही रह रहे हैं, आज भी सारे साथ में ही रह रहे हैं। हाँ। कौन नहीं रह रहा? ये राजनीति ये कर रहे हैं मुसलमान हिंदू की, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। 99% मोदी जी ही आएंगे। कह रहे हैं युवाओं की पसंद तो राहुल गांधी है। कोई राहुल गांधी को कौन जानता है? अब नहीं जानता राहुल गांधी को, मैं तो नहीं जानता, मैंने कभी देखा नहीं। पप्पू है वो? हाँ राहुल गांधी को नहीं जानता, राहुल गांधी को नहीं जानता। तो कह रहे सारे लोग जाने 2024 में प्रधानमंत्री। नहीं कर रहा है राहुल गांधी ने, अब क्या कर रहा है? कह रहे करेंगे हम प्रधानमंत्री बन। भाई कब करोगे? तो उनको मंदिर गुरुद्वारे याद आ गए, पहले कहाँ थे ये सब, अब तो उनको मंदिर आ गया याद, गुरुद्वारे आ गया, हर जगह पहुंच रहे हैं वो तो। कुछ नहीं करते। केजरीवाल भी चोर है। मैं तो ईमानदार बता रहे अपने आप। कौन सा ईमानदार है बताओ मेरे को, कहाँ से कौन सी ईमानदारी है बताओ? 7 साल के अंदर कौन सी यमुना साफ हो गई ये बताओ पहले मेरे को, कौन सी यमुना साफ हो गई 7 साल के अंदर? 15 में का हम साफ कर देंगे, 16 में का हम साफ कर देंगे, 19 में का हम साफ कर देंगे, आज तक कौन सी यमुना साफ हुई ये बताओ मुझे। अरे कट्टर ईमानदार है। अरे ईमानदार होते तो फिर आज की डेट में क्यों इतना वो लोग बोल रहे होते? कोई बोल ही नहीं रहा ना आज की डेट में। हर तब बंदा कह रहा है हिंदुओं का त्यौहार बंद कर दिया जाता है, दिवाली पे पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, दुशहरे पे पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, क्यों होता है ये सब? होना नहीं चाहिए भाई साहब। अगर हिंदू धर्म का कोई त्यौहार है तो सारे मिलके बनाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, दिवाली हर किसी का त्यौहार है। हाँ। लेकिन उससे पहले इसको पोल्यूशन याद आ जाता है, ठीक है, अब पहले क्यों नहीं इसको याद आता पोल्यूशन, अब इसको पोल्यूशन याद आ जाता है। इतनी गाड़ियाँ चल रही है उसमें इसको पोल्यूशन नज़र नहीं आता, जो हिंदुओं का त्यौहार आता है उसमें इसको पोल्यूशन नज़र आ जाता है। ये जो बेकार सरकार है, हमारी गलती थी कि हमने चुना इनको। केजरीवाल जी बेकार? बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे ऐसा हमने श्रवण कुमार हो गए हम तो दिल्ली के, श्रवण कुमार हो गए ये तो बताओ, ऐसा श्रवण कुमार वाला क्या काम किया उन्होंने? फ्री यात्रा करा रहे हैं, यात्रा फ्री में क्या कर दिया? फ्री हमारे को चाहिए ही नहीं जी। हम पैसा देके आज भी नौकरी करते हैं, 10,000-20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, मेहनत करके कमाना जानते हैं और खाना जानते हैं। राम मंदिर के लिए फ्री यात्रा करवा रहा। अभी जब मोदी जी ने, इससे पहले कौन आया था बताओ ना, राम मंदिर के निर्माण के लिए कौन आगे आई थी, कौन सी सरकार आगे आई थी निर्माण बताओ मेरे को, किसने किया? मोदी जी आए, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, हम उनके साथ है, मरते दम तक हम मोदी जी के साथ है। हमारा किसी और के साथ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मोदी जी गुमराह करते हैं युवा, गुमराह कहाँ से गुमराह कर दिया? आज हमारा देश देखो ना कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे था और कहाँ पहुँच गया। आज दुनिया कोई कहता है नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, कहाँ है? मैं दिलवाता हूँ ना, किसके पास बेरोजगारी है बताओ तो सही, कौन है बेरोजगार? मैं दिलवाता हूँ नौकरी, आओ। कोई बेरोजगारी नहीं, काम करने वाला होना चाहिए, जिसको फ्री की आदत पड़ेगी वो बैठ के खाना ही पसंद करेगा जी। सो बात की एक बात, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा, क्यों होगा दुर्भाग्य बताइए? हाँ जी, क्या वजह है ऐसी? वो कह रहे राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ टक्कर देनी है ना, तो कृपया अपना विपक्ष छोड़ के ना, जो जैसे सुरजेवाला है, ठीक है, वो कैप्टन से है, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाओ, तब जाके कुछ वो टक्कर दे पाएंगे। राहुल गांधी क्या लगता नहीं है क्या 2024 के लिए मजबूत हो? भैया जी उनकी जित दूर दूर तक नहीं जी, दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल दूर 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 तक नहीं भाई साहब, दूर दूर तक नहीं है। अरे बिल्कुल कहाँ, वो अपना देखे अपना पाकिस्तान दे और संभाले उनको। फनी मैन, फनी मैन पास में खड़े ना, कौन जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो नजर नहीं आपको, नजर आ रहे हैं? कह रहे हैं भैया पास में आ गए, पास में आ गए कह रहे हैं, 2024 के पास में आ गए। अच्छा 2024, हाँ हम पास में आ गए 2024 में। कौन है ये कह रहे? मोदी है, मुमकिन मोदी है, मोदी है, मोदी है,
क्या वजह है मोदी जी की? मोदी जी ही है बस। क्या अच्छा काम कर दिया? लोग तो कह रहे हैं महंगाई कर दी। अब कुछ भी सबके मन में मोदी जी बस। क्या भैया? नहीं नहीं बस बोलो बोलो बोलो। अरे यार जब आंखों में पट्टी बंधी होती ना तो बोलने से कुछ फायदा नहीं है। छोड़ो, कह रहे हैं पट्टी बंध रही है जो मोदी जी की। दिख रहा है जी, दिख रहा है किसके पट्टी बंधी हुई है किसके पट्टी नहीं बंधी हुई है, सबको नजर आ रहा है। जो मोदी जी की तारीफ करता है उसके आंख में पट्टी बन जाती है। हमारी तो पट्टियां लगी हुई थी भैया, हमने खोल दी, हमारे को मोदी जी नजर आए पट्टी खोलते। हमारे को तो मोदी जी नजर आए और कोई नजर नहीं आया जी। हमारे लिए मोदी जी नजर आएगा भाई। राहुल जी अच्छे हैं देश के लिए, मजबूत विपक्ष दे सकते हैं। अगर वो बढ़िया विपक्ष देने की कोशिश करते हैं तो जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ हाँ, उनका 2024 में किसका? मोदी जी के साथ है यार। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस को मजबूत विपक्ष देना चाहिए, राहुल को काम करना चाहिए। अच्छा विपक्ष देंगे तब जनता उनके साथ जाएगी, सही काम कर रहे हैं। और कोई विपक्ष तो चाहिए ना लोकतंत्र में, आप क्या कहते हैं? एक अच्छे लोकतंत्र में बढ़िया विपक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? वो राहुल को वो जगह है, उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। राहुल जी को एक अच्छा विपक्ष देना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो छोड़ देना चाहिए। भाई पहले अच्छा विपक्ष तैयार करेंगे जब ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस हालत में नहीं बन सकते, हम जानते हैं आप भी जानते हैं। कैसी हालत है उनकी इस समय? भाई आप जानते हैं ना, उनकी हालत यह है कि अच्छा विपक्ष देने की कोशिश कर लें और दे दें तो जनता समझ जाएगी सही कर रहे हैं। दिल्ली में है केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए हम श्रवण कुमार हैं। भाई हम भी कहते हैं कि हम श्रवण कुमार हैं, इसमें क्या बुराई है? केजरीवाल जी श्रवण कुमार हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन यात्राएं करा रहे हैं, हम राम मंदिर घुमा रहे हैं। भाई अच्छी बात है, कोई बुरा काम है, लेकिन आप किसी डीटी बस में जा, डीटीसी बस आती है ना, उसमें जाके एडवाइट वो सब करो आप, तो उसकी हालत देख के केजरीवाल कहेंगे आप भी झूठे हो, गलत दिखा रहे हो। हाँ घुस जाओ किसी डीटीसी बस में। ईमानदार हैं हम सर, मैं कह तो रहा हूँ ना, आप हमारी मत मानो। आप किसी डीटीसी बस में घुस जाओ, वो आपको कहना शुरू कर देंगे कि गलत दिखा रहा है, कहीं से पैसा मिला इसको। अच्छा, गलत दिखा रहा है। हाँ ईमानदार नहीं है क्या केजरीवाल जी? नहीं केजरीवाल जी के बारे में नहीं कुछ कह सकते, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में कहेंगे। दुश्मनी है क्या उनसे कोई? नहीं कोई दुश्मनी नहीं, हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी उनसे कोई प्रश्न दुश्मनी थोड़ी ना है। तो दोस्ती किससे है? हमारी दोस्ती तो किसी से भी नहीं है। किसको चाहते हैं 2000? मोदी जी को। मोदी जी अंकल जी? नहीं राहुल गांधी। ये देखिए कह रहे हैं मोदी जी। नहीं वो नहीं आएंगे, 50 साल बाद आएंगे जी। 50 साल नहीं, राहुल गांधी आएंगे 50 साल बाद। 50 साल बाद आएंगे। ऐसा है लोग ये कहते हैं राहुल ने क्या किया जी। तो राहुल गांधी कौन है पहले आप बताइए मेरे को। सोनिया गांधी का बेटा? नहीं सोनिया गांधी, आप भी किसी के बेटे, मैं भी किसी का बेटा हूँ। वो प्रधानमंत्री नहीं है, देश के गृह मंत्री नहीं है। काम करना चाहिए जो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने 70 साल में क्या किया, जनता ने उनको नकार दिया, 8 साल में मोदी जी आए, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किया। आपको काम अच्छे नजर आए या नहीं? भाखड़ा डैम किसने बनाया था? भाखड़ा डैम किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था? तो कांग्रेस ने बनाया ना। दिल्ली के अंदर जितने पुल हैं शीला दीक्षित ने बनाए, बीजेपी ने नहीं बनाए। तो कांग्रेस वाले इस काम का प्रचार क्यों नहीं करते अपना? सबका अपना अपना काम है प्रचार करने का। मोदी साहब तो लोगों को पैसे देके अपना प्रचार कराते हैं। तो बाकी और बिल्कुल बिल्कुल दोनों में दोनों पार्टी ऐसी है, आम पार्टी और बीजेपी, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोले। तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों। केजरीवाल जी भी झूठ बोल रहे हैं? वो तो पक्के झूठे हैं। हाँ ईमानदार बता रहे हैं? कोई ईमानदार नहीं है। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ केजरीवाल का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ है। दिल्ली चमका दी हमने तो। कहाँ चमक गई दिल्ली? खाली पेंट करने से दिल्ली नहीं चमकती है। काम कर मोहल्ला क्लिनिक देखो, फ्री की बस यात्राएं देखो। आप भी रोज मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं, सब टूटे पड़े हुए हैं, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो बेकार बन चुके हैं दिल्ली के अंदर, फ्री की राइड चाहिए, फ्री की भी दी चाहिए, हाथ से काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। जब फ्री में दे देंगे अपने बच्चे को सब चीजें तो बच्चे कमाए क्यों? मेहनत करके जो कमाई जाएगा वो फ्री के बिजली पानी दे रहे केजरीवाल जी, वो भी यूनिट का हिसाब है बस। हाँ। वो दो ही है, गलत है वो गलत है जो बिल्कुल सुनो मेरी बात सुनो, जो आदमी बिल्कुल ही देने के काबिल नहीं है उसके लिए फ्री कर दो चाहे। हाँ। उस घर में एक ही खाली बल्ब हो, एक पंखा हो। अब जो आजकल झुग्गियों में लोगों के एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं, गाड़ी रखी हुई है, तो वो कार्ड दूसरे वाले बनवा के डोल रहे हैं, तो उनका मतलब क्या बन रहा है? तो वो तो कह रहे गुजरात में भी फ्री बिजली पानी देंगे। ऐसा है ये लॉलीपॉप तो कोई कहीं भी दे दे सर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी लॉलीपॉप भी बांट रहे सर। लॉलीपॉप जनता क्यों ले रही है? जनता ही छोड़ दे नहीं ले रही फिर सर लेते रहो ना।
जिसके पास है लेते रहो, लेकिन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए, जो केजरीवाल जी फ्री की योजनाएं दे रहे हैं वो सही है गलत है? गलत है, गलत भी है और सही भी है। अब इनके सर, इनके इनके सवाल से आप जवाब ले लीजिए। आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दिला दो, अरे नेट नेट दे दो उसको फ्री में चला बेटा नेट, वो क्या देखेगा उसके अंदर फ्री में, बताओ ना आप। गलत पिक्चर देखेगा। मैंने क्या बोला आपसे, जो आदमी बिल्कुल डिसेबल हो कमाने में, जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, उसको लाइट फ्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे सबको बांट दो जी, हम तो फ्री देंगे, ऐसे फ्री में रेबड़ी बांटो तो भैया रेबड़ी बढ़ती रहेगी। अच्छा ये बताइए, तो क्या लगता है केजरीवाल जी अगर दिल्ली की बात करें तो विकास आपको नजर आया? क्या नजर? विकास तो सबको मालूम है, नजर आ रहा कि नहीं आ रहा है? सामने ये सामने जो 8 साल में विकास ये बहुत कम है, 20% है सिर्फ विकास। ये कांग्रेस ने कर दिया वो कोई सरकार नहीं कर सकती है, ना विकास ना ये राशन, ना राशन। राशन में चीनी सब कुछ मिलता था, आज क्या मिल रहा, खाली गेहूं चावल। अब वो भी ये हो गया कि चावल खाना पड़ेगा आपको, गेहूं नहीं मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस जो विकास कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं, आप 70 साल से देख रहे हो, 70 साल से हम लोग लूटते चले आ रहे हैं, फिर भी 70 साल से कांग्रेस की सरकार। 8 साल में हमारे देश ने कितना कुछ करा देख लो, आप खुद देख लो, सब चीज गूगल पे है कि देश कहाँ जा रहा है, देश की। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो 70 साल में हमने बनाया सत्ता है, ये सर राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं हूँ विपक्ष में तो मैं बोलता रहूंगा, मेरा काम है बोलना। सर विपक्ष का काम तो बोलना ही है ना, जब विपक्ष में होता ना बंदा तो वो बोलता ही है। जब सत्ता पे, जब सत्ता पे बैठ जाता है तब वो फोन नहीं बोलता। वो मोदी जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। मोदी जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। कह रहे मोदी जी बोलते ना 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 बहुत कर, मोदी नहीं बोलते अभी, मोदी जी ज्यादा नहीं बोलते हैं, मतलब से बोलते हैं, जब काम आते काम होता है।